टेन एलिमेंटल डिस्कस थ्रो होता क्या बेटे? वो तो गोल घूमता है. नो दैट इज कॉल्ड अ शॉटपुट. आयरन बॉल जो होती है दैट इज अ शॉटपुट, और उसको शॉटपुट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज वी हैव. वो जेवलिन थ्रो होता है जो स्टिक के साथ और शार्प स्पीयर टाइप चीज होती है, और जो डिग करते हैं वो होता है जेवलिन थ्रो. ठीक है ना बेटा? डिस्कस थ्रो इज अ लाइक अ डिस्क. एक प्लेट सी होती है आयरन, उसके अपर जो है वो वुडन होता है, और लास्ट की पाइपिंग जो है वो आयरन की होती है. एंड यूजुअली वी हैव टू होल्ड लाइक दिस एंड वी हैव टू थ्रो दैट. जिसमें हमारे देश की कमलप्रीत गई थी, हाँ, और उसने 90 पॉइंट कुछ रखा था. ठीक है ना? उसके बाद शॉर्टपुट का भी यही हुआ है. शॉर्टपुट मैन का देखा था तेजिंदर पाल से, ही वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट, क्योंकि 21 था, काफी सारों का काफी जोर लगा है, उसका 19.99 है. थोड़ा सा बेटे ओलंपिक का भी साथ के साथ, तुम्हारे पता है ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट नहीं भी है, फिर भी यू शुड हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग दिस. थोड़ा बहुत तो देखो ना जो अपने देश से रिलेटेड है. जितने हम गेम्स वगैरह के बारे में या जितने इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, यू कैन इजिली वॉच देम, और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये गेम जो मैम नाम लेते हैं या ये है, इसका ये बेनिफिट है या ऐसे खेली जाती है. थोड़ा सा ये नहीं मैं कहती हूँ कि सारा दिन टीवी, वैसे भी तो देखते हो, ठीक है ना? स्पोर्ट्स चैनल आजकल कितने चल रहे हैं, इसी पे है. और जो आपको समझाया था लास्ट ईयर करियर ऑप्शन, उसमें ये देखो अब कितना काम का है कि मीडिया जो है वो कितना ऑफिशियल, देखो वहां पर जो लगे हुए हैं वो कितने काम के हैं, ठीक है ना? ये कह सकते हैं कि उनके लिए ये अर्निंग सपोर्ट्स है, ठीक है ना? कोचेस, पार्टिसिपेंट्स, पॉपुलैरिटी, कितनी चीजें उनको मिल रही है. आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज टेस्ट एंड मेजरमेंट. आपको सिलेबस मैंने भेजा था, ठीक है ना? मुझे कृष्णा भेजा था, मैंने फर्दर फिर निकलवा के उसे आपको भेजा था, ठीक है ना? सिलेबस देखा है आपने, क्या है इस बार का सिलेबस, क्या है देखा है बेटे? आप तो ऐसे पहली बार, जैसे पहली बार सुन रहे हो, ये क्या चिड़िया बोल रहे हैं. आपने नहीं देखा कि मैम ने आपके क्लास में क्या भेजा है सिलेबस रिगार्डिंग द 12th स्टैंडर्ड, या कौन सा पैटर्न हो गया है, या किस तरीके से आएंगे, जो तो आपका, ठीक है ना, जो आपको MCQs आने हैं या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, कैसे आएगा, या कुछ कुछ चीज चेक नहीं की बेटे? प्रैक्टिकल फाइल का बताया उसमें कि हमें कंप्लीशन करनी है, बुक्स जो हैं वो लेनी है, कोई भी चीज आपने, मुझे लगता है यू आर गिविंग मी सच अ इंप्रेशन दैट फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू दिस वर्ड. बी एक्टिव, ठीक है ना? मोबाइल सारा दिन होता है, ये तो देख लिया करो कि क्या इंफॉर्मेशन जो हैं वो तुम्हारे लिए हैं. वर्ड पहला है टेस्ट. टेस्ट किसको कहते हैं? रोज देते हो ना, रोज आपके टेस्ट होते हैं, डेली यू आर हैविंग टेस्ट. व्हाट इज टेस्ट? हाउ यू विल डिफाइन टेस्ट? किसको बोलेंगे टेस्ट बेटा? बोलो अपनी लैंग्वेज में, जैसे भी कुछ तो बताओ कि टेस्ट कहते किसको है. दो चीजें, हाँ थोड़ा सा जोर से बोल, जिससे पता लगता है हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. टेस्ट क्या है? यू आर टेकिंग टेस्ट. हमने टेस्ट इंग्लिश टेस्ट आप कर रहे हो, टेस्ट आप लो, ठीक है ना? हम आपका ले रहे हैं, आप यू आर गिविंग द टेस्ट, ठीक है ना? हम तुम्हें देते हैं टेस्ट और तुम उसे करते हो. नाउ व्हाट इज टेस्ट? इट्स अ टाइप ऑफ टूल, टूल कह सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन पेपर है, सेट ऑफ क्वेश्चन है, कोई भी चीज टू कम टू नो और टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन. तुम्हारा जो आंसर है तभी नंबर आएंगे ना. आंसर्स जो हैं वो क्या है? तुम्हारे लर्निंग, तुमने क्या अर्न किया उसके बारे में बताते हैं. टेस्ट क्यों लेते हैं? टेस्ट टीचर डेली पढ़ा रहा है तो वो ये चेक करने के लिए कि इन्हें कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये कितने बिल्ड कर चुके हैं, या इनमें सेल्फ कितना है, उसे किस वे से ये प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें टेस्ट में आती हैं, ठीक है ना? इन द सेम वे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी हमारी एबिलिटी को टेस्ट करना, हमारी कैपेबिलिटी को टेस्ट करना, हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना,
ये सारी चीजें क्या टेस्ट के अंडर आती हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, कि हम कैसे या किस जेस्चर में काम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द टेस्ट। मेजरमेंट क्या है, जो आपके नंबर आते हैं, नंबर जो आते हैं वो उसके अकॉर्डिंग मेजर किया है हमने कि तुमने क्या क्या चीजें हमें दिखाई हैं, कितने नंबर आए, इतना मीन्स कि व्हाट इज योर लेवल। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए या तुम्हारे लिए नहीं, जनरल हर एक चीज में, ठीक है, रनिंग हो रहा है, नोट डाउन द टाइम, हमें पता चल जाएगा कि ये इवैल्यूएट करना, जहां पर मेजरमेंट है वहां पर है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, कि कितनी अमाउंट जो है वो हमने किया है। इवैल्यूएट करने का मतलब है कि हमने कितनी प्रोग्रेस किया है, हमारी पहले कितनी थी, वेदर वी हैव डन अ बेटर। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जब लेते हो, इवैल्यूएशन लिखी होती है ना, फर्स्ट टर्म में कितना किया, सेकंड में कितना लिया, थर्ड में कितना लिया, उसका एग्रीगेट कितना आया, किस में ज्यादा परफॉर्मेंसेस आई हैं, ये क्या चीजें हैं। दिस इज टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन और इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पीपल हैं उनका अगर कैपेबिलिटी को देखेंगे वो आता है टेस्ट। समझ में आएगी, आप इतनी बात समझ में आएगी बेटा, डू यू अंडरस्टैंड। अब ऐसे है हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे बेटा, व्हाट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ क्या होते हैं। हाँ जी बच्चा, हाँ जिम में, ठीक है, जिम में ये कह रहे हैं लिफ्टिंग करते हैं, अब वो है कि वो है क्या चीज़ है, व्हाट्स दैट, उससे क्या होता है, जिम में तुम करते जो हो है मस्कुलर पावर है, ठीक है, क्यों करते हो। अब किसी चीज को उठाया है, क्या लगता है उसपे, क्या लगता है, जोर लगता है, स्ट्रेंथ होती है ना, ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है। फोर्स अप्लाइड, ताकत लगाते हैं ना, फोर्स अप्लाई करते हो, रेसिस्ट करते हो, ओवरकम करते हो रेसिस्टेंस को, कि मैं इसे पूरा उठा ही लूं, यू आर ट्राइंग एंड यू आर डूइंग, मसल्स पे फोर्स चलता है, और ओवरकम करते हो जब आप उस चीज को कर लेते हो, ठीक है, यानी कि रुकावट नहीं डालने देते, हम उस एक्टिविटी को कर लेते हैं, दैट कम्स अंडर द मस्कुलर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ओवरकम द रेसिस्टेंस जो है वो हमारा, हम कहते हैं मसल्स की, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना बेटा। अब है कि जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, फिजिकल एजुकेशन में, किसी भी फील्ड में हो सकती है टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हम कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए, इससे क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्यों टेस्ट लिए जाते हैं, या क्यों किया जाए, रिटन टेस्ट नहीं, यहाँ पर एक्टिविटी का है, क्यों लिए जाते हैं, क्या चेक करने के लिए, क्या करने के लिए। मैं ना लाइव लाइव इन द सेंस ऐसे एग्जांपल देती हूँ, शायद तुमने भी वो चीजें देखी हो तो तुम्हें माइंड में जल्दी सेटअप कर जाए। कुछ दिन नहीं, अब 2 साल तो खैर होने वाले हैं इसको लॉकडाउन, उससे पहले यहाँ पे पीएपी का ग्राउंड है ना जिस साइड, या वहां पर ना, या बुराया से आगे ग्राउंड है, हमने वहां पे देखा बहुत सारों का टेस्ट हो रहा था रनिंग का, और उसका पुलिस में एंट्री के लिए, आपने देखा है ना, ऐसे टेस्ट करते हैं होते हैं ना, या आर्मी के लिए, ये क्या है, उनकी एबिलिटी कैपेसिटी चेक करने के लिए, वेदर दे आर फिट और नॉट, क्या वो हमारी इस रेंज में आते हैं या नहीं, उनकी चीजों को हम चेक, ठीक है, जहां पर लगता है उसके फिर मार्क्स होते हैं बेटा, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं, फिर उसके बाद नोट डाउन करने के बाद ये देखा जाता है कि इनमें कौन से स्किल्स जो हैं
उसको बढ़ावा दिया जा सकता है या इस दिन में इस चीज के अडॉप्टेशन में ये इस चीज को फॉलो कर जाएंगे। एक नॉर्मल बात है बेटे, अगर हम हमें कोई चीज पसंद है, मुझे रनिंग पसंद है या कोई भी गेम पसंद है, लेकिन मैं उसका साइंटिफिक वे नहीं लेती, मुझे उसके तरीके नहीं पता, टेक्निक्स नहीं पता, और मैं उसे वैसे कर जा रही हूँ, वो वेग है, वो तुम्हें गोल तक नहीं लेके जाएगा। तुम्हें अगर गोल तक रीच करना है, इफ यू वॉन्ट टू रीच द गोल और द एपेक्स और द हाइट सुमित, तो तुम्हें क्या है, टेक्निक्स और जो स्किल्स हैं उसको लर्न और उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब कोच का क्या काम होता है, चेक करना कि इस बच्चे में किस तरीके की एबिलिटी है, ये क्या मस्कुलर स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ वाली काम कर सकता है बच्चा, या इसे फ्लेक्सिबिलिटी वाला है, या इसकी साइकोलॉजी मेंटल जो है अलर्टनेस ज्यादा है, या ये फिजिकल एक्टिविटी को फिजिकल वे में ज्यादा अच्छा कर सकता है। दे पुट इन देम इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी। अब मान लो कई बच्चे होते हैं, दे आर नॉट गुड इन रनिंग और एनीथिंग, बट दे आर वेरी शार्प टू ग्रास्प द थिंग। चेस या इंडोर की ऐसी गेम्स जो होती है ना, जहाँ पे कंसंट्रेशन उनकी ज्यादा होती है, हम बोलते हैं इन्हें ये गेम सिखाई जाए क्योंकि ये इस चीज को या इसे कंसंट्रेशन या अलर्टनेस है, और विदाउट एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी से ये काम कर सकता है, हम उसे उस ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, कई बच्चे होते हैं रनिंग करने वाले होते हैं ना, बहुत तेज दौड़ते हैं, कुछ नहीं पता, दौड़ा लो उनको। हमें यह पता है हॉकी फुटबॉल ऐसी चीजों में, रनिंग इनटू द विकेट्स जो है, ये सारी चीजें हैं जो ट्रैक पे, हम उन्हें ऐसी गेम में जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस ज्यादा है उनके लिए अलग से सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स और द ट्रेनिज इन दिस वे। आपको पता है अपने स्कूल का हर पीरियड था 5-6 साल पहले, उसकी शॉटपुट बहुत अच्छी थी। आफ्टर 10th ही ज्वाइन स्पोर्ट्स कॉलेज और इस टाइम वो नेशनल प्लेयर है हमारा, ठीक है ना, उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, फिर सिल्वर लिया। ये क्या है, क्योंकि उसे गाइड किया गया था, यू बेटर गो फॉर दिस लाइन, ये तुम्हारे लिए है। यहाँ पर दो चीजें हैं, उसकी स्किल्स सीखी गई, उसे मोटिवेट किया गया कि जिस फील्ड में बच्चा अच्छा कर सकता है, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ उसे तरीका आना चाहिए लर्न करने का। फिर हमेशा फिटनेस जो है आफ्टर सम टाइम्स जो है वो चेक होती है, हेल्थ चेक है, जैसे हम कहते हैं ना हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ चेकअप जो है हर 6 महीने के बाद क्यों होना चाहिए, क्या बॉडी में चेंजेस आती है हमें नहीं पता चलता है या कुछ है। ऐसे ही जिनकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी यानी कि हार्ट की, लंग्स की, रेस्पिरेटरी की बहुत अच्छी या सर्कुलेटरी की है, उन्हें हम रनिंग में ज्यादा रखते हैं स्प्रिंट्स लगाने के लिए, जहां पर एनारोबिक्स की जरूरत। क्यों है, क्योंकि वो हमें आउटपुट या उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर। सिलेक्शन ऑफ गेम इसी तरीके से होती है, यानी कि मुझे ये गेम पसंद है, मुझे उस गेम की पसंद के साथ साथ, मुझे उसमें इंटरेस्ट के साथ साथ, मुझे उसमें स्किल्स जो है, साइंटिफिक वे जो है वो मेरे लिए सीखने या उसे अडॉप्ट करने बहुत जरूरी है। मुझे दौड़ना आता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रूल्स लर्न कैसे करने हैं, तो वो प्रॉब्लम देगा कि वो हर बार फॉल करेगा बच्चा, तो उसके हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, कितना टाइम हमारा जो है वेस्ट हो रहा है उसके लिए नहीं गेम में, वो हमें विनिंग की तरफ नहीं लूजिंग की तरफ। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये इम्पोर्टेंस है सिलेक्शन, कैपेसिटी, एबिलिटी, मोटिवेशन, टेक्निक्स, इन सबको सीखना जो है वो बहुत ही जरूरी। अब इसके बाद आता है बेटे मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए या हमारे एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ के लिए 6 टेस्ट हैं जिन्हें हम क्रॉस वेबर टेस्ट कहते हैं। सॉरी, ए क्रॉस वेबर टेस्ट। अब ये क्या चीज है, कभी नाम सुना है बेटा, ये क्या चीज है, कभी नाम सुना है इस चीज का, क्रॉस वेबर टेस्ट?
बोल तो मैं क्रॉस रही हूँ, लिख मैं के से रही हूँ। एक्चुअली ये है नेम, जिसने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था, ये उसके नाम। ठीक है, जिम जाते हो बेटे, घड़ी को बार बार मत देखो प्लीज, पढ़ने की तरफ ध्यान दे। हैं? ठीक है, जिम में जाते हो क्या क्या करते हो पहले मुझे तुम ये बताओ। जिम में जाके कौन कौन सी करता है एक्सरसाइज? शाबाश, पहले। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वार्म अप होता है, व्हाट इज वार्म अप? शरीर खुल जाए, और क्या होता है? शरीर कैसे खुलेगा, बाहर आ जाएगा? गर्म बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, उससे क्या होता है? बोलो शाबाश, तुम्हारी लैंग्वेज में समझ। एक्सरसाइज करते हो, शरीर खुल गया, वार्म अप। लाइट एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ शरीर ही नहीं खुलता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मसल्स जो हैं वो टोन अप हो जाते हैं। जो भी हमने एक एक्टिविटी करनी है उसमें चांसेस ऑफ इंजरीज जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने वार्म अप किया हुआ है, हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है। व्हेन आवर बॉडी इज रेडी फॉर द फोर्थ कमिंग एक्टिविटी, दैट इज टू मेक आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड अ वार्म अप। ठीक है ना, फिर क्या करते हो, फिर कौन सी एक्सरसाइज आप करते हो बेटा? शाबाश, चेस्ट है चेस्ट चेस्ट की एक्सरसाइज होती है। चेस्ट चेस्ट यहाँ एक एक एक्सरसाइज करके बता दे, कोई भी चेस्ट करके दिखा, क्योंकि मैं उसी तरह को रिलेट कर दूंगी, तेरे लिए आंसर तैयार होना शुरू हो जाएगा। डोंट थिंक कि मैडम क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारी ही वे से करवा रही हूँ ताकि तुम्हें ये इजिली लर्न हो जाए। या अब देखो इसके कहाँ कहाँ इसके जोड़ पड़ रहा है, ये पुशअप कर रहा है, इसके जोड़ कहाँ कहाँ, जोड़ कहाँ पे पड़ क्या पड़ रहा है? हाँ ठीक है, हैमस्ट्रिंग्स पे जा रहा है, यहाँ पर बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे जा। ठीक है, इतनी चीज आ गई बेटा। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करना है। ठीक है, इसके लिए पहली एक्टिविटी क्या होती है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि कैसे करते हैं, ताकि ये रिटर्न में आता है, पहले बता दें। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो हम करेंगे, हमने अपने एब्डोमिनल की स्ट्रेंथ को चेक करना है। ठीक है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी करवाएंगे तुम्हें? अगर मैंने अपने इसकी एब्डोमिनल की और PSOAS की मसल्स जो पीछे के होते हैं ना, हमारे स्पाइन के लोअर जो 5, 6, 7 के साथ जुड़े होते हैं और हिप के साथ ज्वाइंट होते हैं, उसके लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं आप, यही बता दें इसके। स्ट्रेचिंग वेरी गुड, और कौन से है? स्ट्रेट लेग्स करके करता है ना? यस, अब फिर इसे इस पे करके दिखा रहे, टेबल पे बैठ के करके दिखा, लेट के दिखा रहे हैं। एक लेग सीधी करके भी होती है, लेग सीधी करके कौन सी होती है? लेग सीधी करो और बॉडी को अप करो, सिटअप्स के इसको अपवर्ड, लेटे हुए अप लाना, क्या बोलते हैं उसको तुम, क्या बोलते हैं? हाँ लेटे हुए हो ना, तुम्हारे हाथ पीछे हैं और बॉडी को ऊपर लाते हो, उसको क्या बोलते हैं आप? एक्सेप्ट एक्सेप्ट ठीक है, समझ में आ गई? ये अब क्या है, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल एंड PSOAS जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ करने के लिए। इसमें क्या होता है, हम नॉर्मली अपने हैंड्स को पीछे रखते हैं, नेक के पास सीधा लेट जाते हैं, और उसके बाद अपना पैरों को नहीं हिलाना, स्ट्रेट करते हैं और अपर बॉडी पोर्शन को हम ऊपर लाते हैं। ये किस लिए होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिटअप्स किसको बोलते हैं? कैसे करते हैं? ठीक है, तुम्हारी भाषा में ही फिर को आओ बोलना पड़ेगा। ठीक है, लेट गए तुमने जिम वाली, एक्चुअली वो जिम में अपने नेम्स दे देते हैं ना नॉर्मली, थोड़ा चेंजेस भी वो कर देते हैं। स्कोरिंग कैसे करवाते हैं तुम्हें इसमें पता है? स्कोर कैसे करवाते हैं किसी एक्टिविटी की? नहीं करवाई कभी? आप जाते हो जिम? नहीं, आप भी नहीं। आप कैसे इम्प्रूवमेंट का कैसे पता चलेगा?
और ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रही बेटे, मैं तुम्हारी सुन रही हूँ। मैं अपनी बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली हम क्या है, लेट के जब ये करते हैं और ऊपर को उठते हैं, हम कितनी देर तक एक मिनट में कितनी बार लेट कर फिर उठते हैं, वो हमारी स्कोर होता है कि हमने कितनी बार किया है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट आती जाती है। हाँ, इसका मतलब है हमारी परफॉर्मेंस जो है, मेजरमेंट इसी को बोलेंगे कि हमें कितनी परफॉर्मेंस, और इवेलुएट करते हैं कि पहले कैसे था, अब उसकी क्विकनेस कितनी है, कितने वे से वो कर रहा है। अब तीनों चीजों की क्लैरिटी होगी, टेस्ट, मेजरमेंट और इवेलुएशन। यही समझाना चाहते, कितनी बात समझ में आ गई है? तो यही बोल रही, यही चीज है ना, इन्हीं को, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं पूछूंगी ना टेस्ट है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि क्या समझा है, पता है, लेकिन उसको हम डिफाइन या अपने मीनिंग अपने आप ही नहीं पता। मेजरमेंट क्या है, हम क्या है, हाइट गेन जब करते हैं वो मेजर करते हैं ना, बच्चा अगर 5 फुट का था, 5 2 का आ गया, 4 का हो गया, 6 का, ये क्या है, उसके विद दैट उसकी हेल्थ भी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस पे होगी, वो है इवैल्यूएशन, मेजरमेंट हो गया ना उसका। क्लियर हो गई इतनी बात? क्रॉस वेबर टेस्ट जो पहला वाला है वो है बेटा, विद द फीट हेल्ड ऑन द ग्राउंड बाय एग्जामिनर, द सब्जेक्ट और अ पर्सन शुड ले फ्लैट सुपाइन पोजिशन में। जब हम पीठ को नीचे लगाते हैं ना बेटे, उसे हम सुपाइन पोजिशन कहते हैं, ये याद रखना। उसे हम क्या कहते हैं, सुपाइन पोजिशन। जब हमारी पीठ जो है वो दीवार जमीन के साथ हो, लेटते हो ना, वो सुपाइन पोजिशन होता है। समझ में आएगा? दूसरी तो हम बैली के उससे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टेस्ट एंड मेजरमेंट में, इसलिए ध्यान रखना कि गलत मत कर जाना कि लेटना है तो हम क्या लिखें। समझ में आ गया? ले डाउन तो ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन बतानी होगी तो ये लिखें। इज इट क्लियर बेटा? हमारे हाथ जो हैं वो नेक के पास होने चाहिए, सीधे लेटना। जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्टर हमें बोलता है स्टार्ट, स्कोरिंग होती है काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। हमने उसमें कितनी बार किया है, अपनी पूरी बॉडी को आप कितनी बार किया है, उसे हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन में। ये है उसका फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वे है। इससे क्या होती है, हमारी मसल्स और पीएसओ की, जो ये दोनों चीजों की इकट्ठी जब पूछी जाएगी तो ये वाला टेस्ट आएगा उसमें। समझ में आ गया? क्रॉस वेबर टेस्ट नंबर 1 जो है तब लिखना है, अगर लिखा जाए क्रॉस वेबर टेस्ट नंबर 1 लिखना है तो आपने उसमें ये। इज इट क्लियर बेटा? स्कोरिंग की जाती है, कितने बच्चे ने किया है, कंपैरिजन होता है जब पोजीशन अपने आप खोल लीजिए। ठीक आ गया, समझ में आ गया? अब दूसरा है, जैसे तुमने बताया था, सीधा लेट जाओ, अपने जो पैर हैं उनको नियर टू द बुटक्स लाना है, क्लोज टू द बिटक, जैसे हम पैरों के बाहर सुपाइन पोजीशन में लेट के, ठीक है, पैरों को हिलाना नहीं है, और हमने दोबारा उठना और बैठना है। ये हमारे एब्डोमिनल पे स्ट्रेंथ पे प्रेशर डालता है, इससे हम एब्डोमिनल के सिर्फ जो मसल्स हैं उनको चेक करते हैं। समझ में आया कैसे? नहीं पता, डोंट लाफ, ये है सिर, ठीक है, ये है बॉडी, ये है पैर। हाँ ठीक है, पैर जो है वो फ्लैट होने चाहिए, उठाने नहीं है। शुरू शुरू में ऐसे जब हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो एक्सटर्नल हेल्प थोड़ी सी लेते हैं, यानी कि पैर को पकड़ के कोई ना कोई रखता है, या पैरों पे पैर रख देते हैं, जैसे भी है। नेक्स्ट इसकी जब एक्सरसाइज करनी है तो ये ऊपर आना चाहिए, ठीक है, हमारा मींस ये बॉडी जो है टच करनी चाहिए। काउंटिंग स्कोरिंग 1 to 10 में कितनी बार बच्चा करता है,
ये क्रॉस वेबर टेस्ट टू, ठीक है, ये टेस्ट नंबर टू है। इसे सीक्वेंस में याद रख लेना, ये पहले और ये लिख के नहीं आएगा क्रॉस नंबर टू या उगम, ये आएगा एब्डोमिनल के लिए, सिर्फ एब्डोमिनल के मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए कौन सा टेस्ट है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है कि पहले जो इंडिविजुअल है या पर्सन है उसने इस तरीके से लेटना है सुपाइन पोजीशन में, देन ही हैज टू गिव ब्रिंग हिज फुट नियर टू हिज बटक्स, कीप हिज हैंड्स एट द बैक ऑफ द नेक, और उसके बाद इसने बेंडिंग्स लेनी है और टच करना है। स्कोरिंग जो है वो 1 to 10 में जितनी बार वो करेगा उसके उतने मार्क्स या उतने नंबर्स लिखे जाएंगे। आगे समझ में, ये हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। पहला समझ में आ गया था, पहले में क्या करना होता है बेटा, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट, पैर हिलने नहीं चाहिए, हैंड जो है वो पीछे है, इसके बाद ये अपवर्ड, दिस इज दैट, क्लियर हो गई बेटा इतनी बार, दोनों टेस्ट याद हो गए, क्योंकि मैं आराम से करवा रही हूँ ताकि ये तुम्हारे, और ये क्योंकि इसके काफी सारे टेस्ट हैं भूल मत जाना, इसलिए ये बार बड़े आराम से तुम्हें समझा, ठीक है। अब है तीसरा टेस्ट जिसमें हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ तो है लेकिन इसमें हमारा लोअर बैक और PSOAS के स्ट्रेंथ को चेक करना है। हैंड्स पीछे, हमने लेग्स को, सिर्फ लेग्स को 6 inches तक उठाना है, और कितनी देर तक हम 10 बोलने तक हम अगर उसे वैसे ही रखते हैं अपवर्ड तो हमारी मार्क्स उस हिसाब से लगेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो स्टार्टर्स होते हैं वो हार्डली और 6 inch से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक छोटा स्केल है उसके जितने। यहाँ से क्या होता है, हमारी लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है और साथ में PSOAS जो मसल्स होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। आज आप 3 ही टेस्ट करेंगे, नहीं तो तुम्हें टोटल 6 है, 3 के बारे में बता दिया है, ठीक है, बाकी के बारे में कंपोनेंट्स तुम्हें अच्छे से याद हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है फिटनेस के। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। ये कोई भी बच्चा आज अटेंड नहीं किया किसी ने भी क्लास, कोई टेस्ट तो नहीं था तुम्हारा, ये कुछ दोनों सेक्शन में से एक भी बच्चा नहीं आया, वेरी बैड एंड वेरी सैड फॉर दिस।